लग्जरी, खूबसूरती, भव्यता और देशभक्ति की मिसाल यानी मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल। हम में से सभी ने इस होटल में एक बार खाना खाने का या एक रात बिताने का सपना तो जरूर देखा होगा। 16 दिसंबर 1903 में यानी गेटवे ऑफ इंडिया बनने से 21 साल पहले टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल को बनाया था। लेकिन मायानगरी के इस शानदार होटल के बनने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 1896 में सिनेमा के जनक लुमायर ब्रदर्स ने अपनी पहली फिल्म के शो मुंबई के आलिशान वॉटसन होटल में रखे थे। इस शो को देखने के लिए सिर्फ गोरे लोग ही जाते थे। उस वक्त बड़े बड़े होटल के बाहर बोर्ड लगे रहते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। 7 जुलाई 1896 को टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा भी फिल्म का शो देखने के लिए वॉटसन होटल चले गए। लेकिन मैनेजर ने जमशेदजी टाटा को होटल के बाहर का बोर्ड दिखाकर इंडियन होने के कारण होटल में एंट्री करने से मना किया। इस घटना के कारण जमशेदजी टाटा के दिल को गहरी चोट लगी। उनके हिसाब से ये सिर्फ उनका अपमान नहीं था बल्कि हर भारतीय इंसान का अपमान था। इस घटना के सिर्फ 2 साल बाद ही जमशेदजी टाटा जैसे देशभक्त ने वॉटसन होटल की आभा को धुंधला कर दे ऐसे शानदार होटल निर्माण की शुरुआत की। होटल का नाम रखा गया ताजमहल पैलेस होटल। ये भारत का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, अमेरिकन फैंस थे, जर्मन इलेवेटर थे और इंग्लिश बटलर थे। इस होटल में लगे पिलर्स के स्टील को जमशेदजी टाटा ने पेरिस से खरीदा था। उस वक्त होटल को बनाने के लिए 3 लाख यूरो यानी आज के लगभग 1500 करोड़ रुपये लगे थे। 16 दिसंबर 1903 में एक खूबसूरत और लग्जरियस होटल बनकर तैयार हो गया। उस वक्त ताजमहल पैलेस होटल के बाहर एक बोर्ड लगा करता था जिस पर लिखा था, ब्रिटिश एंड कैट्स आर नॉट अलाउड। 117 साल पुराने इस होटल में 560 लग्जरियस रूम और 44 स्वीट्स है। 1903 में इस होटल का एक रात का किराया 13 रुपये था और आज के वक्त इस होटल में एक रात रहने का किराया 22,000 से 1,00,000 रुपये तक है। ये भारत का पहला होटल था जिसमें डिस्को था और ये मुंबई का पहला होटल था जिसमें बार था। ताजमहल पैलेस होटल भारत की पहली बिल्डिंग है जिसने उसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिए हैं। ताज होटल के आज 100 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जिसमें 84 ब्रांचेस इंडिया में हैं और 16 ब्रांचेस भूटान, मलेशिया, मालदीव्स, नेपाल, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, UAE, UK, USA और जाम्बिया में हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के समय ताज होटल को 600 बेड्स के एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने ताज होटल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन देश के स्वाभिमान की मिसाल ताजमहल पैलेस होटल फिर से शान से खड़ा हुआ। आतंकी हमले के बाद ताज होटल की रौनक को लौटाने के लिए कोई गेस्ट रुके थे तो वो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा। दोस्तों, अगर आप मुंबई जाते हैं तो इस ताज को देखने ज़रूर जाइएगा और ताज को देखते वक्त उस जमशेदजी टाटा की देशभक्ति पर गर्व करिएगा जिन्होंने मुंबई को ताज दिया जो देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल केनअप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए, सीखते रहिए।